Hey guys hello and welcome back to my channel so in today's video i will be showing and i will be trying myself some of the derma co products that i have received recently so let's continue with today's video but before that if you haven't subscribed to my channel yet then go ahead subscribe to my channel हिट द बेल आइकन सो दैट यू वोट मिस एनी ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज़ एंड नाउ लेट्स बिगिन विथ टूडेज वीडियो सो गाइज आज के वीडियो में पहले मैं ये जो पूरा फेस ऑफ मेकअप है वो रिमूव कर लूंगी बाय द वे आपको इस मेकअप आप ट्यूटोरियल का देखना है वीडियो तो जाके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए ये मेकअप ट्यूटोरियल ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे एंड आई होप आप लोग इसको ढेर सारा प्यार दोगे इस वीडियो को भी एंड मेरे चैनल को भी सो यार लेट्स कंटिन्यू विथ टू वीडियो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई विल टाई माई हेयर बैग तो स्किन केयर के टाइम में आई लाइक माई हेयर अवे फ्रॉम माई फेस सो दैट आई कैन लाइक फोकस ऑन माई स्किन केयर प्रॉपरली तो ये रहा एंड आई विल रिमूव माई ज्वेलरीज done and now we will remove this entire face of makeup remove my makeup i will be using this micro cloth which does the job of a makeup remover this is your waterproof makeup and that's so cool you know Take one swipe and nickel. jager subkoch and even without drying your face I removed my entire face of makeup and now let's continue with today's products. So the first product I have is the Dermaco 3% niacinamide foaming acne face wash for acne marks. And this has niacinamide and glycolic acid and can be used for both day and night. ये रहती है बात नाइसिनामाइड तो ये एक्नी रिड्यूस करता है एंड इट आल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द स्कार्स अलिटिल बिट ग्लाइकोलिक एसिड जो है वो एक्सफोलियट भी कर लेता है कुछ डेड स्किनसेल्स होंगे तो, तो या आई डोंट नो मच अबाउट एक्टिव तो मैं ज़्यादा बकबक नहीं करने वाली हूँ एक्टिव्स के बारे में बात करके आई आई एम लाइक यूजिंग ए फेस वॉश विच हैज़ ग्लाइकोलिक एसिड एंड इट इज़ अ वेरी माइल्ड फेस वॉश पर ये वाला जो है ये फोमिंग फेस वॉश है तो इट विल वर्क बेस्ट एट समर आई फील सो बिकॉज विंटर में आई डोंट लाइक यूजिंग फोमिंग फेस वॉश बट दिस वन इज माइल्ड एज वेल तो इफ यू हैव एक्नी प्रोन स्किन ऑयली स्किन दिस इज द प्रोडक्ट दट यू शुड गो फॉर ये फोमिंग फेस वॉश है आई वॉज रॉन्ग ये फोमिंग फेस वॉश है पर ये बहुत ही माइल्ड एंड जेंटल है ये लैदर नहीं होता है स्किन पे तो इसीलिए ड्राई आउट भी नहीं करेगा आपकी स्किन को एंड इट विल वर्क बोथ इन विंटर समर रेनी कुछ भी सीजन हो ये अच्छे से वर्क करेगा ओके सो ओके सो ना आई विल गो क्विकली एंड रिमूव दिस फेस वॉश आई विल क्लीन माई फेस एंड आई विल बी बैक टू यू गाइज ओके सो गाइज आई क्लीन माई फेस एंड आई एम बैक टू यू पीपल एज आई एव नेक्स्ट प्रोडक्ट हम लोग जो ट्राई करने वाले हैं वो है

आपको ये प्रोडक्ट को थोड़ा समय के लिए छोड़ देना चाहिए सो दैट द प्रोडक्ट गेट्स एब्जॉर्ब इन टू योर स्किन वेरी नाइसली सो ओनली दैट इट विल बी एबल टू वर्कनेस और समथिंग लाइक यूजुअली कोई कोई सीरम होते हैं जो बहुत ज्यादा थिक होते हैं जिसके वजह से आपको ड्राइनेस फील होगा पर आई थिंक दिस वन हेल्प्स फॉर हाइड्रेशन एज वेल बिकॉज आप देख सकते हो तो मेरे स्किन में वाटर लेवल वैसे ही लग रहा है हाइड्रेटिंग लग रहा है मेरा स्किन एंड ड्राई नहीं लग रहा है ओके द लास्ट प्रोडक्ट इज द वन पर्सन हाइलोरॉनिक सनस्क्रीन एक्वा जेल एंड एम ए बिग फैन ऑफ दिस प्रोडक्ट यू गाइज सो ये प्रोडक्ट जो है मैं कोई भी सनस्क्रीन अप्लाई कर लूँ मुझे एक्टनी आता ही आता है पर यह प्रोडक्ट जब से मैं ट्राई की हूँ मुझे एक्नी आता ही नहीं है एंड सो दिस इज ए मस्ट हैव अकॉर्डिंग टू मी इफ यू आर समवन हु ऑल्सो फेस एक्नी बिकॉज ऑफ दिस सनस्क्रीन और इसमें वाइट कास्ट भी नहीं आता है और ये बहुत ही जल्दी एब्जॉर्व हो जाता है आपकी स्किन में आई अप्लाई दिस रेगुलरली जैसे ही मुझे मिला मैं सनस्क्रीन अप्लाई करना स्टार्ट कर ली बिकॉज अगर सनस्क्रीन सूट नहीं हुआ ना तो कुछ भी सूट नहीं होता मुझे पता है एंड सनस्क्रीन चाहे किसी भी ब्रांड का मैं यूज़ कर लूँ वो मुझे सूट होता ही नहीं है पर दिस वन डीन रिएक्टेड ऑन माई स्किन एंड ये अभी तक ठीक ठाक बराबर चल रहा है यू कैन सी द वाइट कास्ट हैज़ लाइक हिज एन अपेयर्ड हो डिसअपेयर होने के लिए अपेयर तो होना चाहिए पर अपेयर ही नहीं होता है इट इज़ सो लाइट वेट I'm totally loving the products. I hope you will definitely check out the products and if you have already tried out any of the Dermaco products then let me know your experience with them and I will see you in my next video till then bye bye take care stay safe thanks for watching the video bye